तो अब इसका अर्थ यदि नहीं पता है और बेवजह का आप साफ साफ देख रहे हैं, बस लिखा तुलसीदास की सोच कहां थी और इन महामूर्खों की सोच कहां है। तुलसीदास पर व्यंग करने के लिए, उनके लिखे हुए शब्दों पर टिप्पणी करने के लिए भी कम से कम उनके पैर के धूल के बराबर तो होना चाहिए, ये लोग तो उसके बराबर भी नहीं है। इनकी टिप्पणी करने की क्या हैसियत है, क्या औकात इनकी? कार्रवाई नहीं हुई, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करते, ये सवाल उठता है, ये इसकी चर्चा हाँ, तो होती है। कार्रवाई वाली सरकार अभी है, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर जनता कार्रवाई करेगी, ये जनता कार्रवाई कर देती है, जनता किसी को बख्शती नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश भर में रामचरितमानस को लेकर बहस छिड़ी हुई है क्योंकि बिहार से लेकर यूपी तक इसको लेकर बयान सामने आए हैं। वो बयान चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का हो, वो बयान चाहे स्वामी प्रसाद मौर्या का हो, यूपी के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्या, या वो बयान चाहे मौजूदा वक्त में ताजा बयान है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का हो, रामचरितमानस को लेकर इतनी टिप्पणियां, प्रोफेसर चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्या, अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी कह रहे हैं उन्हें इस शब्द पर आपत्ति है, ढोल गवार सुंदर को सुनारी। देखिए, ये हमको ये समझ नहीं आती कि इन अनपढ़ों के बयान पर देश की मीडिया इतना हो हल्ला क्यों कर। यदि कुमार विश्वास जैसे साहित्य पर पकड़ रखने वाले लोग यदि एक बात कहें तो बात समझ में आती है। यदि कोई बहुत प्रकांड विद्वान यदि सवाल उठाए और उसके पास तार्किक क्षमता हो, शक्ति हो, वो सिद्ध कर सके कि भाई ये जो रामचरितमानस में ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी ये लिखा हुआ है कि ये गलत है, ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना का मतलब नहीं पता है, ताड़ना और ताड़न में फर्क होता है। तो ताड़ना क्या होता है? ताड़ना मतलब देखना होता है कि ताड़ना मतलब देखना होता है। तो शूद्र को, नारी को, गवार को, पशु को नहीं देखेंगे तो बहक जाएगी, वो बहक जाएंगे, वो किसी और दिशा में भटक जाएंगे जी। उनका ख्याल रखना होगा, ख्याल रखना होगा कि मतलब उनका संपोषण करना होगा। तो अब इसका अर्थ यदि नहीं पता है और बेवजह का आप साफ साफ देख रहे हैं, बस लिखा तुलसीदास की सोच कहां थी और इन महामूर्खों की सोच कहां है। तुलसीदास पर व्यंग करने के लिए, उनके लिखे हुए शब्दों पर टिप्पणी करने के लिए भी कम से कम उनके पैर के धूल के बराबर तो होना चाहिए, ये लोग तो उसके बराबर भी नहीं है। इनकी टिप्पणी करने की क्या हैसियत है, क्या औकात इनकी? कार्रवाई नहीं हुई, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करते, ये सवाल उठता है, ये इसकी चर्चा हाँ, तो कार्रवाई वाली सरकार अभी है, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर जनता कार्रवाई करेगी, ये जनता कार्रवाई कर देती है, जनता किसी को बख्शती नहीं है, जनता समय पर कार्रवाई करती है। लेकिन हम तो कहेंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए, निश्चित रूप से कीजिए, नहीं तो फिर जनता कार्रवाई करेगी और जनता का कार्रवाई जब होता है तो आंख से आंसू नहीं, घुटने से आंसू निकलता है। आप तेजस्वी यादव के साथ कभी खड़े हुए थे, आज खड़े हैं कि नहीं है ये बताना चाहिए, और मौजूदा वक्त में आप खड़े हुए उसकी ये वजह बताइए कि ए टू जेड की बात आप दोनों मिलकर कर रहे थे, आज तेजस्वी यादव ने जो आपको प्रॉमिस किया होगा या किया था। देखिए, हम सबके साथ खड़े हैं, बिहार की जनता के साथ खड़े हैं, बिहार के 12 करोड़ आवाम के साथ खड़े हैं, उसमें दलित भी है, पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, सवर्ण भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, हम सबके साथ खड़े हैं। और तेजस्वी यदि सबके साथ में खड़े हैं तो हम भी उनके साथ में खड़े हैं, लेकिन वो यदि पार्टिकुलर किसी विशेष वर्ग के साथ खड़े हैं और किसी विशेष वर्ग से यदि दूरी बनाएंगे तो फिर तो निश्चित रूप से हम भी दूरी बना लेंगे। आपका ओपिनियन क्या है प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान रामचरितमानस को लेकर? बाद में फिर एक ऑडियो भी वायरल होता है जिसमें वो निर्देश दे रहे हैं एक तरह से अपने लोगों को, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, राम को लेकर हार्डलाइन नहीं लेनी है। हम उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते लेकिन वो बात सामने आई, वो ऑडियो सामने आया और कार्रवाई की मांग हुई, यहां तक कि सहयोगी जेडीयू सड़क पर उतर गई, कार्रवाई तो हुई नहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर? ये लोग चर्चा में बने रहने के लिए, मीडिया में अपनी पहचान, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इससे इनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि इससे बिहार की छवि कितनी धूमिल होती है, बाहर के राज्यों में लोग हंसते हैं कि ये वही बिहार है ना जो विकास के मामले में सबसे निचले पायदान पर है,
ये वही बिहार है ना जो शिक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान में, ये वही बिहार है ना जहां पर पर व्यक्ति इनकम के मामले में सबसे निचले पायदान पर है, यह वही बिहार है ना जहां पर हर 2.5 साल के बाद यहाँ की सरकार पलटी मार लेती है, ये वही बिहार है ना जहां से ट्रेन से भर भर कर लोग दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हैं, ये वही बिहार है जहां से बच्चे पढ़ने के लिए कोटा बॉम्बे और पुणे जाते हैं, ये वही बिहार है जहां का बच्चा क्षमता रखते भर में भी झारखंड से और दूसरे राज्यों से जाकर खेलता है और दोहरा शतक मारकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करता है। बिहार में है क्या, बचा क्या, बस ये उल्टा बयानबाजी केवल मीडिया में बने रहने के लिए। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, आपका जो मेरी जानकारी है आप इसको करेक्ट करेंगे, फौज से नाता रहा है, सेना से आपका नाता रहा है, सेना को लेकर आरजेडी कोटे के एक और मंत्री सुरेंद्र यादव का बयान बीजेपी सेना पर हमले कराती है, उसके बाद आलोक मेहता का बयान 10% वाले लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, इन बयानों पर बड़ा बवाल हुआ है बिहार में। जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं और जिस दल से आते हैं उस दल के जो मुखिया हैं यानी कि उस दल के जो अभी लीडर हैं उनको चाहिए कि ऐसे बेलगाम घोड़ों का लगाम टाइट करें और उनको सही राह दिखाएं, उनको सही रास्ते पर लाएं, नहीं तो जो ख्वाब देखा जा रहा है वो ख्वाब अधूरा रह जाएगा। आखिरी सवाल है, आशुतोष कुमार की क्या तैयारी है 2024 को लेकर, और जब 2024 की बात होगी तो फिर एक बार फिर उसी सवाल को दूसरे ढंग से पूछना पड़ेगा कि 2024 में आशुतोष कुमार तेजस्वी यादव का हाथ थामे नजर आएंगे या फिर इस दोस्ती में बहुत कुछ बदला है इन बयानों के बाद? सबसे पहले तो हम ये स्पष्ट करें कि जो सम्मान देगा, जो समुचित भागीदारी देगा, हम लोग उसके साथ हाथ मिलाएंगे। फिलहाल हम अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कुछ क्षेत्रों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां पर हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और वहां पर अपनी चुनावी रणनीति तैयार करके हर बूथ 5 यूथ हम लोग बना रहे हैं, वैसे यूथ जो पार्टी की विचारधारा को समझते हों, जो लोगों को समझा सके और क्यों जरूरी है वहां राष्ट्रीय जनजन पार्टी, ये लोगों को बता सके। चलिए, हमारे साथ आशुतोष कुमार थे, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के संस्थापक हैं। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।